चैती नवरात्रि के रंगों में रंगा पुड़िया हाट। पुड़िया हाट में नवरात्रि के शुभ अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा हजारों से अधिक महिलाएं एवं बच्चियों ने भाग लिया। कलश यात्रा छठ घाट से मुख्य बाजार होते हुए गुड़मेश्वर धाम तक लाया गया। मौके पर मंदिर के अध्यक्ष दिलीप यादव ने बताया कि मंदिर के कार्यों का उत्तरदायित्व संभालने के लिए सहनशील होना जरूरी है। इस नवरात्र को हर वर्ष से ज्यादा धूमधाम से मनाने का पुड़िया हाट वासियों का संकल्प है। नवरात्रि के पावन बेला में गुरुवेश्वर धाम में 9 दिवसीय भगवत कथा का आयोजन किया गया है। नवरात्र के सफल संचालन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में निवेदक गोपाल भगत, अनुपम भगत, अशोक यादव, अजय शर्मा, भीमसेन, मनोज यादव सहित कई श्रद्धालु शामिल हैं। पुड़िया हाट से दीपक ठाकुर की रिपोर्ट। क्या आप 10 से 20,000 रुपए महीना अपने घर पर रहकर कमाना चाहते हैं? तो खोलें मिनी बैंक, अपने एरिया के लोगों को दे बैंकिंग सर्विस। सभी बैंकों का आधार कार्ड से निकासी, एटीएम से निकासी, सभी कंपनियों के मोबाइल, डीटीएच, रिचार्ज, पैन कार्ड जैसे अनेकों सर्विस। सीएसपी आईडी के लिए कॉल करें 7726006565 पर। अध्यक्ष है ना? हाँ, समिति का अध्यक्ष है। यहाँ 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, उसके बारे में कुछ बताइए। जो है अभी पहले यहाँ करीब 20 वर्षों से चैती दुर्गा पूजा हो रहा है। हमारे एक मंडल जी संत फ्रांसिस में शिक्षक थे, उन्हीं का ये शुरुआत किया हुआ है। उसके बाद बीच में फिर रविंदर जी कुछ दिन ये जो है पूजा पाठ का कमान संभाले, वो जब धीरे धीरे छोड़ दिए तो फिर ये कमान हमने संभाले। और जब से हम ये कमान संभाले हैं तब से यहाँ बढ़िया कार्यक्रम हर साल करने का प्रयास करते हैं। कितना जो भव्य कार्यक्रम करवा, देखिए कोई भी कार्यक्रम कराने के लिए पहले अपने में सहन शक्ति चाहिए, और जिसमें सहन शक्ति आ गया वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी के समय में सहन शक्ति बहुत बड़ी चीज है। इस तरह का आयोजन हुआ था 17, 18, 19 पहले के दरमियान से इस बार कैसा रहा? पहले से इस बार बहुत अच्छा रहा, पहले से बहुत ज्यादा भीड़ रहा, कलश भी बहुत ज्यादा व्यवस्था किए थे। पहले कलश भी मेरा कुछ घट जाता था, लेकिन इस वर्ष हम इतना कलश व्यवस्था किए 1,000, जो कि मेरा कलश 25-50 बच ही गया होगा, जो मैंने खपत नहीं हुआ। और ये जो है करीब 1,000 से ज्यादा का जो है झंडी और कलश का भीड़ था, और इसको हम टोला वाइज जो है बांट के उसमें एक मेंबर हेड बना के टोला टोला मैंने कलश जो है पहुंचा के चुनरी पहुंचा के दिए। उसका लिस्टिंग हुआ, जो टोला में जितना लिस्ट हुआ, और इसमें 2 स्कूल हमको बढ़िया सहयोग किए, मध्य विद्यालय पुड़िया हाट बालक और कन्या मध्य विद्यालय पुड़िया हाट, ये दोनों विद्यालय से करीब 150 बच्चियां इस कलश यात्रा में भाग लिए, और बूढ़े से बूढ़ी महिला, बच्ची छोटे से छोटी बच्ची 10 साल 11 साल तक की बच्ची, और रखिए 60-65 साल के बूढ़ी भी इस कलश यात्रा में शामिल हुए, जिससे इतना भव्य कलश यात्रा का शोभा निकला। कुल कितने बालिकाएं शामिल हुए थे? कुल मेरा 1,001 कलश था। 1,001 कलश, हाँ, और करीब करीब हमको लगता है कि 1,001 कलश था और 50 झंडी था। जैसे कि आज से श्रीमद 7 बजे संध्या से 11 बजे रात तक कथा, अगर दर्शक बैठे रहे तो 11 के बदले 12 भी बज सकते हैं। और ये कथा का शुभारंभ इस क्षेत्र के पुड़िया हाट के विधायक माननीय प्रदीप यादव जी के हाथों द्वारा दीप प्रज्वलित कर